गुड मॉर्निंग, आज हम बात करते हैं लाभ और हानि से, जो कि SSC रेलवे और व्यापम से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ही की तरह एक मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन करा सकूँ। चलिए, लाभ और हानि पार्ट वन। राम एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसे सॉल्व करते हैं। लाभ पूछा गया है तो लाभ का फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो हमको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 200%। तो हमें लाभ कितना परसेंट मिला है? 200% लाभ मिला है। तो लाभ यानी यहां पर रख लेते हैं फॉर्मूला में, तो चलिए मान रखते हैं लाभ हमारा कितना है 200, और किससे गुणा करना है 100 से, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 800 रुपया। क्रय मूल्य 800 रुपया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। यहां का 20 और यहां का 20 कट गया, 2 1 2 और 2 4 8, यहां पर 4 बच गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 4 और 25 4 100, तो हमारा कितना है 25% लाभ पूछ रहा है, तो 25% लाभ होगा, तो हमारा आंसर 25% वाला मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, 100 रुपए में खरीद रहा है और 80 रुपए में बेच रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 22%। तो इसे सॉल्व करते हैं, हानि परसेंट बताइए बोला है, तो हानि का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए हानि निकाल लेते हैं। राजू किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, मतलब कितने परसेंट हानि हो रहा है? 20% की हानि हो रहा है। 100 रुपए में खरीदा है और 80 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 20% की मतलब 20 रुपए की हानि हो गई है, तो हानि कितना है 20%। तो हमें मान रख लेते हैं हानि है 20 रुपए और 100, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, तो हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपए। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, तो 100 रुपए में खरीद कर लाया है, तो यहाँ क्रय मतलब खरीदना। 1 0 1 0 और 2 1 कम और 2 5 10 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, तो हमें कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? सेकंड वाला, 20% की हानि हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह अच्छा तरह से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, लाभ और हानि पर पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है। दोस्तों, आप जाके वहां देख सकते हो इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ए बराबर 400, बी बराबर 300 और सी बराबर 500 और डी बराबर 600। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
इसका फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर x गुणित 100 बटे 100 धन ऋण y। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y परसेंट का लाभ या हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों x गुणित 100 बटे 100 प्लस माइनस y। चलिए इसमें मान रखते हैं, तो चलिए हमारा x का मान कितना है 600 रुपए, तो x का मान हम रख लेते हैं 600 गुना 100 दिया तो हम 100 से गुना कर लेते हैं, 100 नीचे में है तो 100 कर लेते हैं, प्लस माइनस y का मान है 20%, तो यहाँ हम 20 लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। चलिए उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। 100 और धन मतलब क्या बोला गया, क्रय मूल्य निकालना है और लाभ के लिए बोला गया है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ऊपर का हो जाएगा 600 और गुना 100 और इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 120। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो और एक जीरो कट गया यहां से, दो से इसको काटेंगे 2 × 5 = 10 और इसको 2 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 × 6 = 12 और 6 से इसको काटेंगे 6 × 1 = 6 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ इतना आ जाएगा 0 × 0 = 100। 100 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। यहाँ पर 100 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो 100 गुणित 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा 500 रुपए आ जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।